पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर अब रूस ने भारत का साथ दिया है। दरअसल रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे बीबीसी की इन्फॉर्मेशन वॉर करार दिया है, यानी कि बीबीसी पर इन्फॉर्मेशन वॉर छेड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बीबीसी का कई मोर्चों पर सूचना युद्ध छेड़ने का एक और सबूत है। बीबीसी न केवल रूस के खिलाफ बल्कि एक स्वतंत्र नीति का पालन करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के खिलाफ भी है। इसके अलावा रूस ने बीबीसी की पत्रकारिता पर भी सवाल उठाए कि बीबीसी एक स्वतंत्र टेलीविजन नहीं है, पत्रकारिता की मौलिक जरूरतों को दरकिनार करता हुआ एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है जिसका इस्तेमाल एक समूह दूसरे के खिलाफ कर रहा है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन पीएम मोदी पर आधारित दो एपिसोड की सीरीज है जिसमें बीबीसी ने दावा किया है कि उनकी जांच के मुताबिक भारत में 2002 में हुए गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, जिस पर कई अंतर्राष्ट्रीय मंच और देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी ब्रिटेन और अमेरिका ने भी भारत का समर्थन किया और अब रूस भारत के पक्ष में उतरा है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचा हुआ है। प्रवासी भारतीय भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन में इंडियन डायस्पोरा ने बीबीसी हेडक्वार्टर के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भारत के अंदर भी ये मामला काफी गरमाया हुआ है। डॉक्यूमेंट्री बैन के बावजूद फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू, डीयू, जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज में भारी हंगामा देखा गया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।